मैं हूं नंदिनी, मेरे चैनल गेट से डेकोरेट में आप सभी का स्वागत है। जब पेट गड़बड़ हो जाता है या लूज मोशन हो जाता है तो ना हम लोग एक नुस्खा आजमाते हैं और ठीक हो जाते हैं। अगर आउट ऑफ कंट्रोल है तो आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा। तो ये जो नुस्खा है ये दादी नानी माँ से हम लोगों ने सीखा है और हमारे ससुराल में भी ये चलता है, तो सासू माँ से भी हम लोगों ने सीखा है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, बस दो मिनट में बन जाता है। तो ये है देखिए उड़द दाल की बड़ी। ये जो उड़द दाल की बड़ी है, बड़ी जैसे बनाते हैं इसी तरह से बनाया गया है। बस ये प्लेन है, ना इसमें नमक है ना कोई मसाला है, बिल्कुल प्लेन ये उड़द दाल की बड़ी है। उड़ीसा में हम लोग उड़द दाल की बड़ी ही खाते हैं। तो इससे चलिए तैयार करते हैं हमारा नुस्खा। बहुत ही इजी और बहुत ही आसान है। उड़द दाल की बड़ी को मैं ऐसे ही सेक रही हूँ तवा पे, बिल्कुल भी तेल नहीं डाला है मैंने, सूखा सूखा ही मैं इसको इस तरह से सेक रही हूँ उसमें। और देखिए धीरे धीरे ये लाल हो रहा है, क्योंकि जब पेट गड़बड़ होता है, लूज मोशन होता है, तो तेल मसाला हम लोग अवॉइड करते हैं, बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो ये देखिए बिना तेल के मैं ही इसको सेक रही हूँ। ज़्यादा नहीं, 4 या 5 उड़द की दाल की बड़ी ही काफ़ी हो जाएगा एक जन के लिए। ये देखिए मैं अच्छे से इसको सेक रही हूँ, अच्छे से सेक लेना है, नहीं तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा तो और ज़्यादा पेट गड़बड़ हो जाएगा। अच्छे से ये देखिए पूरा लाल लाल हो रहा है। तो धीरे धीरे सीम में लो फ्लेम में हमें इसको भून लेना है या सेक लेना है तवे में अच्छे से, या आप लकड़ी का चूल्हा यूज़ करते हैं तो उस आग में भी आप थोड़ा सा इसको सेक सकते हैं, आग में डालकर। बहुत ही जल्दी हो जाता है, ये देखिए हो गया है ऑलरेडी। तो आप इसको ऐसे ही चावल और दाल और खाली इसको ऐसे ही खा सकते हैं, नहीं तो और एक काम भी कर सकते हैं। ये तो हो गया है, इसको मैं हटा देती हूँ। कढ़ाई ले लिया है मैंने और अभी इसमें ना थोड़ा सा ही तेल डालूँगी, ज़्यादा नहीं। ये देखिए बस 2 या 3 रफ तेल मैंने डाला है। अभी इसमें ना थोड़ा सा पंचफूरन डाल दूँगी, ये देखिए। और अगर आप मिर्च खाते हैं, मिर्च की बगैर नहीं चलता है, तो थोड़ा सा ये हरी मिर्च को तोड़ के ऐसे ही डाल दीजिए, वरना मिर्च मत डालिए। देखिए ये हो गया और अभी इसमें मैं डाल दूंगी ये पानी और इसमें एक छोटा सा टुकड़ा इमली और स्वाद के हिसाब से नमक और ये जो बड़ियाँ हैं इनको डाल दूंगी इसमें। आप ऐसे भी सूखा सूखा भी खा सकते हैं और ऐसे भी पानी वाला भी बना के खा सकते हैं। बस ये हो गया तैयार। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए इसको उबाल लेंगे और ये हो गया। बस चावल दाल और इसको खाइए, सब्जी वगैरह तो मसाला नहीं खाते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे ही खाते हैं, इसको चावल दाल और इस तरह से। ये सदियों से आजमाया हुआ एक नुस्खा है, तो हमारे हर घर में तो ये ज़रूर बनता है अगर पेट गड़बड़ हो जाए तो। और ये रेडी हो गया, देखिए बस हो गया ये। थोड़ा सा इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए और पानी रहेगा, पानी के साथ आपको इसको खाना है चावल दाल और ये बड़ी की, ये जो हमारा नुस्खा बनाया है। और देखिए ये बढ़िया बनने में बस 2 ही मिनट लगे। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो फिर चलिए मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।